नरोत्तम दास ठाकुर ठाकुर महाशय के नाम से भी जाने जाते थे। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णव भक्ति फैलाने के लिए भी जाने जाते थे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कृष्ण नंदा दत्ता और नारायण देवी के पुत्र थे, जो बंगाल देश के रांची जिले में गोपालपुर प्रांगणा में रहते थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने शाही कर्तव्य को सबसे बड़े चाचा के बेटे को सौंप कर श्री नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन के लिए निकल पड़े। श्री नरोत्तम दास ठाकुर आजीवन ब्रह्मचारी थे। उनका जन्म कारस्थ जाति परिवार में हुआ था। वह राजा कृष्णानंद दत्ता के पुत्र थे, जिन्होंने बंगाल देश के रांची जिले में गोपालपुर क्षेत्र पर शासन किया। उनकी राजधानी पश्चा नदी पर खेतड़ी थी। नारायण देवी श्री नरोत्तम दास ठाकुर की माता थी। उनका जन्म 1520 पूर्णिमा के दिन हुआ था। नरोत्तम दास ठाकुर का बचपन से श्री चैतन्य महाप्रभु की ओर आकर्षण था। जब उनका जन्म हुआ तब ज्योतिष आए और उन्होंने कहा कि यह एक महान राजा बनेगा या एक भिक्षुक। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को संस्कृत भी सिखाई गई थी, जिन्होंने बहुत कम समय में संस्कृत में महारत हासिल कर ली। श्री नरोत्तम दास ठाकुर संस्कृत व्याकरण छंद कविताओं के लिए अति प्रसिद्ध थे। 12 वर्ष की आयु में श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को स्वप्न में श्री नित्यानंद महाप्रभु के दर्शन हुए। उन्होंने श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को प्रज्ञा नदी में स्नान करने के लिए कहा, जिससे उन्हें भगवत प्रेम प्राप्त होगा। श्री नित्यानंद महाप्रभु के मार्गदर्शन के बाद श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रज्ञा नदी में गए। नदी में देवी का रूप लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर नरोत्तम दास ठाकुर जी को भगवत प्रेम दिया। नरोत्तम दास ठाकुर केवल मधुकरी के व्रत का पालन करने से ही अपना भरण पोषण करते थे। यह अर्थ है कि गृहस्थ भक्तों के घर भीख मांग कर खाए गए। नरोत्तम दास ठाकुर जी के हजारों शिष्य थे, जिसमें से अधिक बंगाल देश के क्षेत्रों में से थे। वह खेतुरी में गंगा के किनारे प्रेम भाग पर इमली के पेड़ के नीचे गए। आज श्री चैतन्य महाप्रभु विराजित थे। नदी ने देवी का रूप लेकर सुंदर गीत की रचना की और श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को शुद्ध प्रेम प्रस्तुत किया। प्रसाद भगवान विरह जनिता विलाप जो शुद्ध होता है वो अनिल प्रेम भजन कोरोना प्रकट होने कोट गेला आचार्य ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर अपने शिष्य को गंगा में लाने और अपने हाथों से उनके शरीर पर पानी डालने के लिए कहते हैं। इस समय उन्होंने देखा कि उनकी त्वचा सफेद हो गई है और पिघलने लगी है। गंगा के जल से स्पर्श करने के बाद उनका शरीर दूध में परिवर्तित हो रहा है और गंगा में ही समा रहा है। उसने देखा कि उनके गुरुदेव पिघल रहे हैं और धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। इस समय उनका दिल दर्द से टूट रहे थे और आंसू बह रहे थे, लेकिन वह रोक नहीं सकते थे क्योंकि उनके मालिक ने उन्हें आदेश दिया है और वह अपने आदेश का पालन कर रहे हैं। इसी ही वह नरोत्तम दास ठाकुर जी के शरीर पर पानी डालते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी का शरीर गंगा में विलीन हो रहा था। दूध से भी ज़्यादा आंसू आ रहे थे अपने गुरु को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख कर। वह दूध और आंसू बहाते रहे और उसमें वह गायब हो गए। नरोत्तम दास ठाकुर जी के शिष्यों ने दूध के आंसू और गंगा जल को एक बर्तन में डाल दिया और खेतुरी के पास एक स्थान पर ले आए जहाँ श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी रहते थे और एक सुंदर समाधि का निर्माण किया। आज तक वह समाधि है जिसे दूध समाधि कहते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें हरि भक्ति दें। हरे कृष्णा।